जी जी एंड हमने देखा है कि शर्लिन जी सामने आती हैं और इस मुद्दे पर बात भी करती हैं। हाल ही में शर्लिन जी मीटू का टाइम रहा जी, आपने भी बताया कि लोग डिनर के बहाने, ब्रेकफास्ट के बहाने लोग घर बुलाते थे, कुछ ऐसा आपके साथ में भी हादसा हुआ है राम गोपाल वर्मा, आप अगर आप कुछ बताना चाहें, हम चाहते हैं कि आप शेयर करें कि क्या कुछ हुआ था। शुरुआत में जब लोगों के पास मैं अपना पोर्टफोलियो लेकर जाया करती थी फिल्म मेकर्स के ऑफिसेस पर, तब वो डिनर का प्रस्ताव रखते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि एक प्रोफेशनल मीटिंग का डिनर के साथ क्या ताल्लुक़ है। एंड वो घुमा फिरा कर ये कहते कि आपके फ़ोटोज़ तो हॉट हैं लेकिन आप में नमक नहीं है या आप में एक्स फैक्टर नहीं है। और मैं कहती कि अच्छा, नमक तो मैं रोज़ खाती हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो नहीं नहीं, हम एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं और ये एक्स फैक्टर हम आपको दे सकते हैं या दिला सकते हैं। अच्छा कैसे? और वो कहते कि आप डिनर करें हमारे साथ, हम सब कुछ बताएंगे आपको, ट्रेन करेंगे आपको। और जब ऐसा 4-5 दफ़ा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि अगर सर्जी सर्जी करके बात करो तो ये लोग इस तरह बात करते हैं, डिनर का प्रस्ताव रखते हैं। अगर सीधी बात करो, एकदम कट टू कट कि सर ये मेरी तस्वीरें हैं, ये मेरा वर्क प्रोफाइल है, अगर आपको मेरे लायक कोई रोल है अगर आपके फिल्म में तो आप मुझे बताएं, मैं बखूबी निभाऊंगी उस किरदार को, ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच से हम बात करें, तो वो बात बनती नहीं है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। तो फिर करें तो क्या करें, डिनर कर लें उनके साथ, क्या क्या गारंटी है कि डिनर करने के बाद हमारा काम हो जाएगा, हमें सफलता मिलेगी या हमें मंजिल मिल जाएगी, क्या गारंटी है? तो क्या करें, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें ये सोचकर कि कोई आएगा जो हमारे बिल्स भरेगा, कोई आएगा जो हमारी लाइफ लिफ्ट करवा देगा, कोई आएगा जो हमारी किस्मत बदल देगा? नहीं, कोई नहीं आने वाला। जो कुछ करना है हम ही करना है, हमें खुद करना है। एंड जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने फैसला लिया कि मैं बनूंगी कंटेंट क्रिएटर, मैं बनूंगी प्रोड्यूसर, मैं अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में लेकर जाना है डिसाइड करूंगी, मैं बनूंगी अपनी रियलिटी का मास्टर। एंड तब से मैंने प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। 2017 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माया। एंड 2018 में मैंने टुनू टुनू रिलीज़ किया म्यूज़िक वीडियो, को बहुत ही पसंद आया जी। और 2019 में मैंने रिलीज़ किया वोट डाल और अब कतार। एंड अब ये फैसला लिया है कि हर महीने मुझे कम से कम एक रैप वीडियो रिलीज़ करना है, साथ में वेब सीरीज़ पर काम चल रहा है। एंड आने वाले महीनों में एक ज़बरदस्त फीचर फिल्म पर भी मैं काम स्टार्ट करने वाली हूँ। जी जी जी, तो अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी भी फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर से किसी भी तरह का फेवर नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने बल पर क्या कर सकती हूँ। ईश्वर ने हम सबको खूबसूरती दी है, इंटेलिजेंस दिया है, कॉमन सेंस दिया है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट एक्टर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन चुकी हैं। यू नो, बहुत ही अच्छा रैप भी करती हैं शर्लिन जी। तो शर्लिन जी, जाते आते जो आप उन सारे हेटर्स को जो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते उनके लिए आपने जो बहुत ही अच्छा रैप बनाया है जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, चाहेंगे फ्यू लाइन? श्योर।
थम जाता है वक्त वही, जहाँ होती हूँ मैं खड़ी, बन जाती है बात वही, लिखूँ जो लगे है मुझको सही, हूँ ना मैं कोई स्टार की बेटी, रभी मेरा शुगर डैडी, खुद ही कमाऊँ रोजी रोटी, समझना मुझको अबला नारी, हूँ मैं अपनी बेस्ट सहेली, नहीं तू मेरा सच्चा प्रेमी, तू तो है केवल हवस पुजारी। वैसे तू करता है क्या बे, ट्रोल ही कर सकता है ना, भरता ना बिल तू मेरा, मक्का ना मिले सुनेरा, जीरो है नाम सारे जग में, होश में आ हो गया सवेरा, मुखौटा हटा नजरे मिला, स्टॉप दिस बिल्ली, चूहे बिल्ली का सिलसिला, ना बन येड़ा टेक अ चिल पिल, अरे यार सामने से मिल, करे सवाल कितना है लेती, फुल नाइट का क्या क्या है देती, अबे झंडू मंच नहीं है क्विज कॉन्टेस्ट का, पूछने से पहले औकात बना औकात बना औकात बना, बिन सिटी कुकर गर्मी वाले हीटर, पास तो आ बेटे जरा तो इधर, कान के नीचे जोर से घुमा के पड़ेगा जमकर, देखूं तेरा ड्रामा सिटी बजा कर, क्या बोल रहा है घन चक्कर, अब बे चूजे अगले जन्म तक इंतजार कर, आप कतार में हैं कतार में हैं, कृपया अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं कतार में हैं, कृपया अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें। अगर आप वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, हेटर हैं, ट्रोलर्स हैं, तो आप अगले जन्म तक प्रतीक्षा करें, आप कतार